दोस्तों, अगर आप भी पंजाब टीम के बड़े वाले फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। आईपीएल 2023 के दिन के अंदर खेले गए अपने सट्टे मुकाबले के अंदर आरसीबी के हाथों 24 रनों से हारने के बाद पंजाब टीम के विस्फोटक खिलाड़ी लियाम लिविंगस्टन ने पंजाब टीम और उनको लेकर बड़ा स्टेटमेंट दिया है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिरकार पंजाब के इस खिलाड़ी ने क्या स्टेटमेंट दिया है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वीडियो के साथ बस शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी पंजाब टीम के फैन हैं तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे हमारे आने वाले हर एक वीडियोज़ की अपडेट आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। मुकाबला हारने के बाद लियाम लिविंगस्टन ने पंजाब और खुद को लेकर बड़ा स्टेटमेंट देते हुए बताया। उन्होंने कहा कि पहली बात तो मुझे इस चीज़ की खुशी हुई कि उन्हें यहाँ पर फाइनली आईपीएल 2023 के दिन के अंदर खेलने का मौका मिला और वो यहाँ पर ये मुकाबला खेलते हुए दिखाई दिए। रही बात परफॉर्मेंस की तो उन्होंने कहा कि पंजाब टीम अच्छा खेल दिखाने के बावजूद ये मुकाबला हार गई और अहम मौके पर उन्होंने छोटी छोटी गलतियाँ करी और यही कारण था कि पंजाब टीम आरसीबी के खिलाफ ये मुकाबला हारने में कामयाब रही। उन्होंने कहा कि गेंदबाजों ने 16 ओवर तक कोई भी विकेट नहीं सटकाने के बावजूद भी आरसीबी की टीम को मात्र 175 रन तक भी नहीं पहुंचने दिया, लेकिन हमारी टीम ने बैटिंग के दौरान कुछ गलतियां की और जिसकी वजह से हम मुकाबला हार गए। उन्होंने कहा कि किसी भी टीम के अगर दो मैन बल्लेबाज रन आउट होते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता और ऊपर से यहाँ पर मोहम्मद सिराज ने अच्छी गेंदबाजी की थी तो ये यहाँ पर उनके हार का कारण रहा। उन्होंने कहा कि आने वाले मुकाबलों के अंदर पंजाब टीम जोरदार वापसी करती हुई दिखाई देगी और हम लोग एक यूनिट की तरह एक साथ आकर वापस से पंजाब टीम को ऊपर ले जाते हुए दिखाई देने वाले। ऐसे में कहीं ना कहीं लियाम लिविंगस्टन ने बताया कि आने वाले मुकाबलों के अंदर पंजाब टीम अच्छी परफॉर्मेंस देती हुई दिखाई देगी। हालांकि आरसीबी के खिलाफ भले ही हार गई हो, लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई है कि आरसीबी के खिलाफ हार के बावजूद भी पंजाब टीम आने वाले मुकाबलों के अंदर बेहतरीन खेल दिखाएगी।